नोकिया वन प्लस लॉन्च किया है MWC के एक दिन पहले, और इसे हम इनफैक्ट नोकिया वन का बड़ा भाई कह सकते हैं। एंट्री लेवल फ़ोन है, इनफैक्ट 5.45 इंच का डिस्प्ले इसमें लगाया गया है। इनफैक्ट LCD पैनल वाला डिस्प्ले है इसका। 8 मेगापिक्सल का रियर कैमरा सेटअप है और 5 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा सेटअप है। और इनफैक्ट इसमें 1 GB की रैम और 8 GB की इंटरनल स्टोरेज दी गई है, जिसे आप एक माइक्रो SD कार्ड की मदद से एक्सपैंड भी कर सकते हैं। ये एंड्रॉयड 9 Pie पर चलता है और साथ ही इसमें MediaTek क्वाड प्रोसेसर दिया गया है जो 1.5 GHz का प्रोसेसर है। इनफैक्ट दिस इज़ व्हाट द फ़ोन लुक्स लाइक। इंडिया में जल्द ही लॉन्च होगा ये फ़ोन। और ख़ास बात इसकी ये है कि इसमें 2500 mAh की रिमूवेबल बैटरी दी गई है, रिमूवेबल बैटरी है इस फ़ोन में। सो दैट्स नोकिया वन प्लस फॉर यू। का 5G वर्जन मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस से एक दिन पहले 24 तारीख को लॉन्च किया है। ये है नया मी मिक्स 3, दिस इज़ हाउ इट लुक्स। इंफिनिटी डिस्प्ले दिया गया है जिसमें नॉच नहीं है, और इनफैक्ट ये 5G नेटवर्क को सपोर्ट करता है। क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 855 के साथ ये आएगा, 7nm चिपसेट के साथ विद एनहैंस्ड AI कैपेबिलिटीज़ ये सभी मी मिक्स 3 में होंगे। साथ ही 6.9 इंच का एमोलेड फुल स्क्रीन डिस्प्ले इसमें दिया गया है, और एक फ्लैगशिप ड्यूल रियर कैमरा सेटअप भी है साथ ही इसमें। तो काफ़ी गुड लुकिंग फ़ोन है। दिस इज़ द मी मिक्स 3 5G। इनफैक्ट 1 GB की रैम है और 8 GB की ऑनबोर्ड स्टोरेज दी गई है। कीमत है इसकी $749, लगभग $749। फिलहाल ये इंडिया में लॉन्च नहीं होगी, लेकिन हाँ MWC के दौरान इस घड़ी की अनाउंसमेंट तो हो गई है। अभी खास बात है इसकी कि बिल्कुल एक मोबाइल फ़ोन की तरह ऑपरेट करती है ये घड़ी। अगर आप देखें तो इसमें जिसे नॉर्मल फ़ोन में आप वेदर, म्यूज़िक वगैरह, अलार्म वगैरह जैसे सारे ऑप्शंस हैं, साथ ही वर्कआउट के भी ऑप्शंस हैं, इंडोर रनिंग, आउटडोर रनिंग, जो एक नॉर्मल फिटनेस ट्रैकर करता है वो सारी एक्टिविटीज़ ये घड़ी करती है। साथ ही कैमरा, मतलब आप फ़ोटो भी खींच सकते हैं इस घड़ी की मदद से। कैमरा का भी ऑप्शन है, बिल्कुल इस तरह से वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं आप ऐसे, या फिर फ़ोटो भी ले सकते हैं कुछ ऐसे। काफ़ी इंटरेस्टिंग है ये वॉच। इसमें इनफैक्ट एक फ्लेक्सिबल OLED डिस्प्ले दिया गया है, बड़ा सा डिस्प्ले है, मतलब फ़ोटो लेते वक्त भी आपको आपके हाथ को ऊपर नीचे नहीं करना पड़ेगा जिस तरह से आप सेल्फी लेते वक्त कैमरा को ऊपर नीचे करते हैं। ये इसके डिस्प्ले पर ही ऊपर नीचे आप मूवमेंट कर सकते हैं, साथ ही जेस्चर्स को भी पकड़ता है, सो विच इज़ अनदर इंटरेस्टिंग पार्ट। पीछे की तरफ आप देखें तो एक हार्ट रेट मॉनिटर दिया गया है जो आपको आमतौर पर फिटनेस ट्रैकर्स में मिलता है, या फिर एप्पल वॉच वगैरह पर आपको हार्ट रेट मॉनिटर मिलता है, तो आपके हार्ट रेट को भी एनालाइज करेगा, रन को ट्रैक करेगा, और इसमें GPS भी है।
पीछे है दुनिया की पहली 5G फ्लाइंग टैक्सी। इनफैक्ट आप इसे दोहा में इस्तेमाल कर सकते हैं। ये एक इलेक्ट्रिक बैटरी पर चलती है, लगभग 130 किलोमीटर पर आवर इसका स्पीड है और 20 मिनट तक आसानी से इसकी बैटरी चल जाती है। तो मैं अंदर जाकर इस पर्टिकुलर फ्लाइंग 5G फ्लाइंग टैक्सी का डेमो लेने वाली हूँ। काफ़ी इंटरेस्टिंग गैजेट है, क्योंकि 5G एक बड़ा ट्रेंड है मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस में, तो काफ़ी इंटरेस्टिंग गैजेट है। तो अंदर जाकर मैं चेक करने वाली हूँ कि दुनिया की पहली 5G फ्लाइंग टैक्सी एग्जैक्टली क्या क्या दिखाएगी। अंदर जाकर मैंने दुनिया की पहली 5G फ्लाइंग टैक्सी का डेमो लिया, पूरा दोहा का नज़ारा दिखाया, क्या क्या टूरिस्ट स्पॉट्स है वो एक VR हेडसेट की मदद से मैंने देखे और काफ़ी इंटरेस्टिंग एक्सपीरियंस था। इनफैक्ट जो फीफा का उनका स्टेडियम है वो भी ऊपर से मुझे देखने को मिला, सो इट वाज़ क्वाइट अ लॉट ऑफ फन एंड इट इज़ एन अमेजिंग डिवाइस। माइक्रोसॉफ्ट ने अपना होलो लेंस 2 अनाउंस किया, इनफैक्ट मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस में, और काफ़ी तगड़ी कीमत आपको इस लेंस के लिए चुकानी पड़ेगी। $3,500 का है ये माइक्रोसॉफ्ट होलो लेंस 2, और बड़ी लंबी चौड़ी क्यू लगी है इसके प्रोडक्ट डेमो के लिए। काफ़ी इंटरेस्टिंग प्रोडक्ट है, काफ़ी दिलचस्प है। इंडिया में कब लॉन्च होगा या नहीं इस पर क्लैरिटी नहीं है, लेकिन हाँ रेगुलर कंज्यूमर्स के लिए नहीं है, खासकर इंडस्ट्रियल वर्कर्स, इंजीनियर्स वगैरह, मेडिकल प्रोफेशनल्स वगैरह के लिए एक अच्छा ऑप्शन है ये होलोलेंस 2। तो $3,500 इसकी कीमत है। कई मोबाइल फ़ोन्स जो यहाँ पे इंटरेस्टिंग लॉन्च हुए हैं $2,000 के, उससे भी ज़्यादा महंगा है ये होलोलेंस 2। और 2016 में अगर आप देखेंगे तो माइक्रोसॉफ्ट ने अपना पहला होलोलेंस लॉन्च किया था, ये उसका अगला जनरेशन है। OnePlus ने अपने 5G फोन का प्रोटोटाइप MWC में अनाउंस किया। ये 5G फोन इस ग्लास एनक्लोजर के पीछे हमारे साथ है, पीछे है, ये स्नैपड्रैगन 855 चिपसेट के साथ इनफैक्ट चिप होगा, जैसे मैंने यहाँ पे देख रही हूँ। और यहाँ पे 5G का लाइव डेमो चल रहा है, OnePlus के 5G का लाइव डेमो चल रहा है। मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस में कई इनफैक्ट स्मार्टफोन मेकर्स हैं जिन्होंने अपने 5G फोन्स को अनवेल किया है, तो OnePlus didn't want to be a company जो पीछे रहना चाहती थी इस पूरे ट्रेंड के, तो उन्होंने अपने 5G फोन का प्रोटोटाइप, केवल प्रोटोटाइप MWC के वक्त अनाउंस किया। These are phones, real 5G phones, commercially available 5G mobiles with a commercially available 5G network. About a couple of years ago in the Mobile World Congress, we had actually talked about the 5G chipsets. Now we are releasing the second generation chipsets already.
MWC में आज हमने सैमसंग के नेटवर्क्स बूथ पे 5G का लाइव डेमो देखा। तो क्या एग्जैक्टली था इस डेमो में, ये जानने के लिए हमारे साथ है सैमसंग के श्रीनी सुंदरराजन। वेलकम टू CNBC आवाज। थैंक यू। सो व्हाट ऑल यू डेमोंस्ट्रेटेड राइट हियर एंड कैन यू टेल अस मोर अबाउट यू नो द फाइंडिंग्स एंड द आउटकम ऑफ द लाइव डेमो? या एक्चुअली द की थिंग वी आर शोइंग हियर टुडे इज वी आर शोइंग एन एंड टू एंड 5G. We have a 5G handsets and we have a 5G network. So we are showing the speed of what a 5G can do using a commercially rolled out handset and a commercially rolled out network down here. And you can see that some of these shown down here, the type of speeds we are getting on this commercial rollout. Okay. That's a key thing we are showing. The second thing we are also showing is we have now developed the second generation chipsets that is now enabling a significant decrease in the size, the power consumption and the operational expenses required for 5G equipment. तो चार दिन का मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस काफ़ी एक्शन पैक रहा। बहुत सारे ढेर सारे गैजेट्स हमें इस्तेमाल करने को मिले, उनका फर्स्ट लुक हमें देखने को मिला। तो काफ़ी एक्शन पैक रहे मेरे चार दिन। उम्मीद है कि आपको हमारा मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस स्पेशल एपिसोड अच्छा लगा हो।